सर पर तो नहीं पर क्या सफर कर रहे हो? बैठ जाओ और अच्छे से बोलो। ए रानी तू बोल। सर आप छोटे बच्चे। ए चमन तू बोलना। आई एम विद्यार्थी विजय विद्यार्थी। मैंने अच्छे अच्छों से बुरे बुरे तक सबको ठीक किया है। अगर इस बार किसी ने मेरी क्लास का टाइम वेस्ट किया तो बेंच पे नहीं अपनी टेबल पर खड़ा कर दूंगा। अरे ये मेरी टेबल इतनी ऊंची कैसे हो गई? मम्मा ये मैजिक का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। ये टीचर है या बच्चे? बेटा मम्मा का मैजिक सिर्फ इंसान के शरीर पर काम करता है, आत्मा पर नहीं। ये टीचर ही है, बस अब छोटे पैक में अवेलेबल है। लेकिन क्लास को कौन समझाएगा? भगवान जी पे डाल दो। यार सोनू ये सर को क्या हो गया? प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करें। नहीं क्लास की बात क्लास में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड श्योर भगवान जी ने सर को बच्चा बना दिया। क्यों? वो हमें परेशान करते थे इसलिए भगवान उनको पनिशमेंट दी। लेकिन भगवान जी ने सर को बच्चा क्यों बनाया? बच्चे भगवान के रूप होते, सिंपल। ए, में क्लास। चलो आपने अपनी नोटबुक्स निकालो। अरे ये बोर्ड इतना ऊंचा, ये क्या हो रहा है? इसे ऊंचा कैसे हो गया? सर वो ऊंचा नहीं हुआ, आप छोटे हो गए हो। चुप। हाँ सर आप हमारी तरह छोटे बच्चे बन चुके हो। चुप। क्या कहा? क्या छोटा बच्चा कैसे बन गया? पर मैं बच्चा कैसे बन गया? सर मुझे लगता है भगवान जी ने आपको बच्चा बना दिया। थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने के बाद आपको वापस ओरिजिनल बना देंगे। भगवान जो भी करते अच्छे के लिए करते। क्या अच्छे के लिए करते? जो सबको ठीक करने निकला था भगवान ने उसी को खराब कर दिया। विद्यार्थी जी। अरे विद्यार्थी जी। हाँ बोलो क्या काम है? बेटा आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, उधर जाकर बैठिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जो मास्टर जी हैं। और जैसे विद्यार्थी जी आए ना उनको बोलना प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। ठीक है? कदे दिखा नहीं देता क्या? मैं विद्यार्थी हूँ विजय विद्यार्थी। और जाके कह दो प्रिंसिपल सर से कि क्लास खत्म होने के बाद ही मैं आऊंगा। देख जा रहे हो? चलो आप भी अपनी नोटबुक्स निकालो। मुझे क्यों गलत ठहरा रहे हो? मैं तो एक कॉमन मैन हूँ। मैन है? कौन वुमन? हाँ भाई भाई कॉमन वुमन हूँ। ये तो डीएसपी है, इसने क्या कर लिया? मम्मी जी मैं डीएसपी नहीं हूँ, मैं एसपी डीएसपी हूँ। तू एसपी डीएसपी सीपी एसीपी सीडब्ल्यूजी टूजी थ्रीजी फोरजी एजी ओजी लोजी सुनोजी कुछ भी हो, तूने क्या कर लिया? अभी तो वहाँ कच्चे बनियान में खड़ा था, उतरवाकर आ गया ना अपनी वर्दी। सत्य वचन मम्मी जी सत्य वचन। तू क्या सत्य वचन कह रहा है? तूने क्या किया? कौन सा झंडा गाड़ कर आया तू? डर के मारे भाग के चला आया? मम्मी जी मैं तो सिर्फ भाग कर आया हूँ, लेकिन एक इंसान जो यहाँ पे मौजूद है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, मम्मी जी उसकी तरह कपड़े उतरवा के तो नहीं आया ना मैं? कम से कम कपड़े उतरवा के नहीं आया तू? हाँ अरे एक तू है और एक वो टॉमी है, 5 बजे उठते चोरों को पकड़ने के लिए। सच? आप एक बात बताओ, इतने साल से आप धंधे में हो, आपने आज तक कभी किसी चोर को 5 बजे सुबह चोरी करके देखा? सर सारे के सारे चोरी करके सो चुके होते हैं। तब सो चुके होते हैं तो क्या हुआ? लेकिन टॉमी तो सुबह 5 बजे उड़ जाता है ना उनको पकड़ने के लिए। मम्मी जी आप मुझे सिर्फ एक टॉमी के जैसा पिल्ला ला के दे दो बस। इधर। हाँ। टॉमी मेरा पड़ोसी है, पिल्ला नहीं है। ये पिल्ला कौन है? जोगिंदर। जोगिंदर कौन है? टॉमी। तुम कौन हो? पिल्ला। मैं कौन हूँ? पिल्ला। उफ वल्ला। पेंसिल पांडे तुम्हारी घड़ी में तो 11 बजे, तो इन लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे? पूछो। ओके सर जी। मम्मी जी आप लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे? दुनिया में हर मास्टर आपकी तरह अच्छा मास्टर नहीं होता। थैंक्स मम्मी जी। आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं, प्लीज। आप टीचर बहुत वाहियात है मास्टर जी, मतलब आपका बच्चों को पढ़ाना और आपका चोर पकड़ना एक जैसा ही है। बिल्कुल मास्टर जी, लेकिन आप इंसान हो।
बहुत अच्छे मास्टर जी। सर अगर आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दी है तो मैं भी आपको एक आइडिया देता हूँ। हम उस टीचर की कंप्लेन प्रिंसिपल से करते हैं। गोलू मेरा दोस्त है। गोलू? अरे वो स्कूल का प्रिंसिपल, वो गोलू मेरा दोस्त है बचपन का, साथ में स्कूल में पढ़े थे, वो पढ़ता था और मैं नकल करके पास हो जाता था। सर उस आदमी को छोड़िएगा मत, उसने मेरा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आप चाय पियेंगे? हाँ मैं चाय हमेशा बिस्कुट के साथ ही पीता हूँ। ये टॉमी है? नहीं सर ये ट्यूमर है। अच्छा अच्छा। गिली गिली गप्पा, माय सोनू इज द बेस्ट। अब मम्मा करेगी थोड़ा रेस्ट। कौन सी पिक्चर है सर? डायलॉग सुनने के बाद ही पता चलेगा। एक गोलू, एक गोलू, एक गोलू, गोलू गोलू, माय गोलू। ए पेंसिल, ए पेंसिल, 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 पॉन्ड। मेरा दोस्त है पेंसिल पांडे। गोलू से कहो कि ये मम्मी जी है। गोलू ये मम्मी जी है, उसके बगल में है ना वो विष्णु सर है, और ये ऐसे ही हैं। ऐसे ही? हाँ मैं एसपी डीएसपी। मुद्दा ये नहीं है, एक सेकंड जरा। सर मेरा बच्चा सोनू आपके स्कूल में पढ़ता है सर। सोनू? सर बड़ा ही अच्छा बच्चा है, नंबर थोड़े कम आते हैं सर, पर सर अगर अच्छाई के नंबर होते तो सर आपके स्कूल का नंबर वन स्टूडेंट होता हुआ है ना मम्मी जी। सर हम आपको कंप्लेन करने आए हैं। किसकी कंप्लेन? उस टीचर की जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सजा देता है। विद्यार्थी, अरे कल मेरी बीवी मेरे लिए टिफिन लेकर के आई थी, उसने उसे भी बेंच पर खड़ा कर दिया, और साथ में खाना खाने के चक्कर में मुझे भी बेंच पे खड़े होकर खाना खाना पड़ा। हे भगवान, इनकी बीवी को भी नहीं छोड़ा। राग राग राग। तुम्हारे बच्चे को भी उसने पनिशमेंट दी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमें खुद बच्चों में आज तक गोना नहीं हुआ। बेसिकली क्या कि उसने कमिश्नर के बच्चे को सजा दी थी। आप लोग क्लास जाइए, मैं भी आता हूँ। मैं उस विजय विद्यार्थी का टर्मिनेशन लेटर बना के अभी आता हूँ भाई। कसम खिला दो। खाओ इनकी कसम। नो डोंट बी इमोशनल, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। चलो 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 जाओ जाओ। जाइए क्या हुआ सर? मुझे मुझे जोर के। आप रोते बहुत हो, जाओ बाथरूम में और लाइटर होके आ जाओ। लाइटर होके मतलब हल्का। सॉरी सर वो सुसु करने जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। एक मिनट, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? सर मैं आपका विजय विद्यार्थी हूँ। तो तुम विजय विद्यार्थी के विद्यार्थी हो, हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है, देखा उसको तुमने? सर मैं विद्यार्थी। ओफो, विजय विद्यार्थी तो विजय विद्यार्थी, उसके विद्यार्थियों ने भी परेशान कर रखा है। जाओ अपनी क्लास में जाओ। सर अरे बोला ना अपनी क्लास में जाओ, परेशान कर रखा है। कम ऑन गो टू योर क्लास। सर विजय विद्यार्थी जी अपनी क्लास में नहीं है। उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? जाके स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे विजय विद्यार्थी चाहिए, जिंदा है हम। सर जिंदा या? जिंदा या पढ़ाते हुए। ए विजय विद्यार्थी परेशान कर रखा। अरे तुम अभी तक यहाँ खड़े हो क्या यहाँ से? आओ मम्मी जी आओ। मम्मी जी आई। अरे सर बेंच और मास्टर दोनों के दोनों गायब है। हाँ सेफ हो, चलो। कहाँ है तुम्हारा वो मास्टर? कहाँ है? आज उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। वो तो पहले से ही हो रखी है।
अरे नानी आप यहाँ कैसे? बेटा तुम्हारे टीचर की हमने कंप्लेन जो है प्रिंसिपल से कर दी है, आज उसकी नौकरी गई। ओ नो मम्मा। अरे बच्चे तू क्यों रो रहा है? रोएगा तो वो विद्यार्थी। और नहीं तो क्या बेटा, बेंच पे खड़े होकर रोएगा? 50-50 कंडीशन में रोएगा बेटा। ना मैं उसके ना कपड़े उतरवा दूंगा। ऐसे टीचर को तो स्कूल के बाहर फेंक देना चाहिए। मम्मी जी मैं तो कहता हूँ कि कंट्री के बाहर इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट। गुड गुड पेंसिल पांडे, ऐसे मिस्टेक एक अच्छा टीचर ही निकाल सकता है। ठीक बोल रहे सर। तुम्हारे पापा है क्या? वो कैसे? एक तो विद्यार्थी नहीं मिल रहा है, उस पर से तुमने परेशान कर रखा है। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी और वैसे ही मिलेगी जैसे विद्यार्थी देता है। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं जाके बाहर ग्राउंड में खड़ा हो जा धूप में। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं स्टूडेंट नहीं, आई एम विद्यार्थी, विजय विद्यार्थी। मैंने अच्छे अच्छे से लेकर बुरे बुरे तक देखा देखा आपने, अब तो मान लीजिए आई एम विद्यार्थी। शट अप, उस विद्यार्थी को तो मैं नौकरी से निकालने वाला हूँ। क्या कहा था तुमने? आई एम विद्यार्थी? नहीं नहीं आई एम नॉट विद्यार्थी, आई एम गधा। मुझे से गधे को तो स्कूल से बाहर फेंकवा देना चाहिए, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। सर सर मैं पनिशमेंट खाने जा रहा हूँ। पनिशमेंट तो ऐसे खाने गया जब लंच करने गया हो। चलो ढूंढो विद्यार्थी को। मैं आपके पीछे मम्मी। लो लगता है मम्मी की एंट्री का टाइम हो गया। माइंड कितना फ्रेश हो जाता है यार। ओए टीचर के क्या हाल है? अभी भी रेस्ट कर रहे, देखो धूप में कितना फ्रेश लग रहे। मम्मी बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगे। क्या भगवान जी, मैं भेड़ बकरी थोड़ी ना हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं खाना खाता हूँ। इसमें कुछ तो रख के भेजते। पनिशमेंट? समझ गया भगवान जी, मुझे एहसास हो गया कि मेरे ठीक करने का तरीका ठीक नहीं था। आज बच्चा बना तो समझ में आया कि बच्चों को पनिशमेंट से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। ये मम्मा मिशन सक्सेसफुल हो गया, अब मेरे टीचर को वापस लाइए ना। ओके बेटा। गिली गिली गप्पा जोधा अकबर, बच्चे को बड़ा कर। प्यास लगी है। बेटा जाओ सर को पानी दो। हाँ जी मम्मा। वाटर सर। थैंक यू सोनू, थैंक यू। आप रोइए मत, आप अब बच्चे नहीं रहे। क्या? और वो लीव? वो लीव कहाँ गया? लीव? यहाँ तो कोई लीव नहीं है। गिली गिली गप्पा। वो लीव था ना, जिसमें जिसमें लिखा था पनिशमेंट। ओह, लगता है मुझे कुछ हो गया था। कोई बात नहीं, जो भी हुआ विजय विद्यार्थी बदल गया। विजय विद्यार्थी बदल गया, विजय विद्यार्थी बदल गया। बहुत खुश हूँ, विजय विद्यार्थी बदल गया, आज विजय विद्यार्थी बदल गया। विजय विद्यार्थी बदल गया। अरे ये तो ऐसे हंसने जैसे इनका प्रमोशन हो गया। आपको स्कूल से निकाला जा रहा है? कोई बात नहीं मम्मी जी, शायद इस स्कूल को अब मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने आज इस स्कूल से
बहुत बड़ा सबक सीखा है और आज के ये बच्चे कल के भविष्य की नींव हैं और कल के भविष्य के नींव को हमें गुस्सा और मार से नहीं बल्कि प्यार और दुलार से तैयार करना होगा। राइट। वाह 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 पेंसिल पांडे, तुम भी सर से कहो कि हमेशा तुम बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हो लेकिन फिर भी बच्चे तुम्हें पनिशमेंट ही देते हैं। लेकिन एज ए इंटेलिजेंट टीचर तुम हमेशा बच्चों को प्यार से हैंडल करते हो। हैं सर, आपके इस प्यार ने मेरी प्यार भरी आंखें खोल दी। हालांकि मुझे कभी प्यार नहीं मिला लेकिन मैं कसम खाता हूँ विद्या रानी कि मैं हर अपराधी से प्यार से डील करूंगा। प्यार? सर प्यार से नहीं माने ना सर, सर डंडा कर देंगे। कैसे? प्यार से सर। सर टर्मिनेशन लेटर जो चलो अच्छा है, सब प्यार से सुलझ गया। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू सर। चलो हाँ बिल्कुल सर। बच्चों मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी पनिश नहीं करूँगा। इसका मतलब आप हमें धूप में भी खड़ा नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। आप हमें धूप में खड़ा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं अब बदल गया हूँ। अब बदले क्यों? क्योंकि समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। समय के साथ इंसान को बदलना क्यों चाहिए? क्योंकि अब मुझे सबक मिल गया है। आपको सबक क्यों मिला? क्योंकि मैं बच्चों को धूप में खड़ा करता था। आप बच्चों को धूप में क्यों खड़ा करते थे? क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करते थे। वो आपको परेशान क्यों करते थे? जैसे कि अभी आप मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। आप क्लासरूम में जाइए वरना माय नेम इज सबको पता है मुझे विद्यार्थी कंट्रोल। बच्चों के लिए अनुशासन जरूरी है मगर प्यार से। गिली गिली गप्पा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।